Hello everyone, welcome to New Roots Hair Transplant Clinic. Myself Dr. Ravi Khare, I am a maxillofacial surgeon. I am a member of ISHR, that is the Indian Hair Restoration Society. I have experience of 4 years in hair transplant and cosmetic surgery, and currently I am attached with New Roots Hair Transplant Clinic. So, आज हम जानेंगे डैंड्रफ के बारे में. डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है जो बहुत तर लोगों को इसका प्रॉब्लम है और जो इससे जूझ रहे हैं और वो हमेशा पूछते रहते कि मैंने बहुत सारी इस पर ट्रीटमेंट ली है बट मुझे कोई उसका उपाय नहीं मिल रहा है. तो हम पहले जानेंगे कि डैंड्रफ होता क्या है, किस वजह से होता है और उसके बारे में जो भी ट्रीटमेंट्स है वो भी अपन उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे. तो सबसे पहले डैंड्रफ क्या होता है. डैंड्रफ एक ऐसी चीज़ है जो डेड सेल है और अपने स्किन का जो हेयर फॉलिकल द्वारा जो निकला गया ऑयल है ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और इससे बनता है डैंड्रफ. तो डैंड्रफ जो अपनी स्किन जो ऑयल छोड़ती है और डेड स्किन बनते रहती है तो उसमें बनता है डैंड्रफ. जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो डैंड्रफ बनता है. डैंड्रफ होने के और भी कुछ कॉजेस हैं, जैसे ड्राई वेदर हो. अपन ने हमेशा देखा है कि सर्दियों में या ठंडी जगह पर ड्राई वेदर होता है तो वो ड्राई वेदर में अपनी स्किन और ड्राई हो जाती है. स्किन जो डेड सेल है वो ज़्यादा बढ़ते हैं और डैंड्रफ ज़्यादा बढ़ता है. कभी कभी लोग बहुत शैम्पू यूज़ करते हैं. शैम्पू बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करने से भी डैंड्रफ बढ़ता है क्योंकि शैम्पू में बहुत नए नए केमिकल्स आ गए हैं और लोग शैम्पूइंग पूरी प्रॉपरली नहीं करते हैं, वॉश प्रॉपरली नहीं करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत शैम्पू स्किन को स्टिक रह सकता है या जुड़ा रह सकता है. उसके वजह से अपनी जो स्किन है वो डेड जल्दी हो जाती है, डेड सेल जल्दी बनते हैं और वो जब अपने स्किन के ऑयल के साथ मिक्स होता है तो डैंड्रफ बढ़ता है. ड्राई वेदर में अक्सर ये देखा गया है कि जो ईस्ट है जो बॉडी पे ग्रो करता है वो भी ज़्यादा बढ़ता है. तो वो भी एक वन ऑफ द लीडिंग कॉज है डैंड्रफ बनाने के लिए. उसके वजह से क्योंकि वो स्किन अपने स्किन पर सर्वाइव करता है तो डेड स्किन ज़्यादा बनती है. और बाकी भी चीज़ें देखी गई है कि जैसे कोई डिसीज़ है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, इन डिसीज़ में भी डैंड्रफ बढ़ता है. पार्किंसोनिज्म एक डिसीज़ है जिसमें भी मैंने बहुत देखा कि पेशेंट में डैंड्रफ बढ़ता है क्योंकि उनका जो हेल्थ स्टाइल है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो कम हो जाता है. एक्जिमा में तो स्किन वैसे भी ड्राई होती है और वो एक स्किन कंडीशन है जिसमें हमने बहुत देखा है कि डैंड्रफ पेशेंट में बहुत बढ़ता है और लोगों को वो दिखना शुरू होता है. किसी में कम रहता है डैंड्रफ, किसी में ज़्यादा रहता है, बट जब वो ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को उसको दिखने लगता है, लोगों के शोल्डर पे दिखने लगता है, लोगों को लोग बताते रहते हैं कि मैं हमेशा मुझे डैंड्रफ दिख रहा है, डैंड्रफ दिख रहा है. कुछ लोग हैं जो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड हो गया, स्मोकिंग हो गया. स्मोकिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर जिसके वजह से डैंड्रफ बढ़ता है. ये कुछ कॉजेस है जिसमें टीनिया कैप्टिस नाम का एक बैक्टीरिया है वो भी एक वन ऑफ द कॉज है जिसके वजह से डैंड्रफ बढ़ता है. मैलेसेरिया नाम का एक फंगस है, जब वो अपने स्किन के ऑयल के साथ मिक्स होता है तो वो सिबोरिक डर्मेटाइटिस आपने एक सुना होगा, वो एक कंडीशन है जो उसके वजह से होती है. और रही बात हार्मोन्स की, जब बॉडी सिबेशियस हार्मोन बढ़ता है बॉडी में तो डैंड्रफ ज़्यादा होता है क्योंकि जब हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो बॉडी का तो उसके वजह से सिबेशियस हार्मोन ज़्यादा होता है और उसमें डैंड्रफ बढ़ता है. विटामिन की कमी के वजह से भी अपने को कभी कभार डैंड्रफ दिख सकता है. जैसे विटामिन, स्पेशली विटामिन बी जब बॉडी में कम होता है तो बॉडी में डैंड्रफ बढ़ता है. जिंक की कमी से भी बॉडी में डैंड्रफ बढ़ना शुरू होता है. सो आप सोच रहे होंगे कि डैंड्रफ के वजह से हेयर फॉल बढ़ता है क्या और डैंड्रफ के वजह से आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है क्या. तो हमने अक्सर देखा है हमारे 9 से 10 साल के एक्सपीरियंस में हमारे 60-70% जो पेशेंट आते हैं वो हमको बताते हैं कि सर पहले बहुत सारा डैंड्रफ हुआ और डैंड्रफ होने के बाद मेरे बाल झड़ने लग गए और फिर बाल झड़ने लगे और वो दोबारा नहीं आए. तो अगर आपको भी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है और अगर आप डैंड्रफ का सही टाइम पे इलाज करवाते हो या जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है जिसके वजह से आपका डैंड्रफ कम हो और वो दोबारा कम आते रहे और वो समय समय पर वो साफ़ होता रहे स्किन से, तो आपका हेयर फॉल रुक सकता है, कम हो सकता है और फ्यूचर में आपको हेयर ट्रांसप्लांट से आप बच भी सकते हो या आपको कम बाल लग सकते हैं ट्रांसप्लांट में. तो अगर आप सही समय में आपको प्रॉब्लम है डैंड्रफ का तो आप इसका इलाज करा लीजिए. अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डैंड्रफ का जो भी प्रॉब्लम है इसमें अपन क्या मेडिकेशन ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं और कौन से जो ऐसे इलाज है जो अपन घर पे कर सकते हैं ट्रीटमेंट के अलावा, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा.
और हमारे कई पेशेंट्स ने हमको बताया कि डैंड्रफ के वजह से उनका हेयर लॉस हुआ। तो जी हाँ, डैंड्रफ एक वन ऑफ द कॉज है जिसके वजह से आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। तो अगर सही समय पे आप उसका ट्रीटमेंट लोगे तो आपके बाल भी रहेंगे और आपको एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं कराना पड़ेगा फ्यूचर में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज अवर लेक्चर ऑन द डैंड्रफ एंड कॉजेज ऑफ द डैंड्रफ एंड वन ऑफ द And in next video, we'll continue over this video on the management of the widow and the prevention and the precautionary measures for avoiding dandruff. Thank you.